नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे और आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इंडिया पर। किसान भाइयों, बात करेंगे धान को दूसरा यूरिया कब डालें और कितनी मात्रा में डालें, सो इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। सो किसान भाइयों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का जरूर बटन भी साथ में दबा लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी किसी से जुड़ी जो जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाई, अगर आपने 10 दिन के बाद धान को यूरिया पहला डाल दिया है तो 15 से 20 दिन के बीच आप धान को दूसरा यूरिया जो डाल सकते हैं। सो अगर आपने पहला यूरिया डालते समय मात्रा 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आपने डाला है तो आप 45 किलो का थैला दूसरे यूरिया डालते समय आप डाल सकते हैं प्रति एकड़ में। किसान भाइयों, अलग अलग से जो खाद पदार्थ आप जो डाल नहीं सकते, इसीलिए इसको मिक्स भी करना होता है किसी सो किसी दूसरी फर्टिलाइज़र में। सो दूसरे यूरिया में आप जिंक मिलाकर भी डाल सकते हैं। अगर जिंक मिलाकर डालना है तो इसको तुरंत डाल दीजिए, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक रखने के बाद इसका जड़ में बदल जाएगा और यूरिया जिंक के साथ मिक्स होकर पूरी तरह से लिक्विड बन जाएगा। सो इसलिए इसे तुरंत ही डाल दीजिए। सो अगर आपने पहला यूरिया डालते समय या उससे पहले पोटाश नहीं डाला तो पोटाश भी इसमें जो मिक्स करके डाल सकते हैं। 15 से 20 किलो प्रति एकड़ के अनुसार आप जो ये मात्रा आप प्रति एकड़ में दूसरे यूरिया में आप मिलाकर डाल सकते हैं। सो दूसरा यूरिया में आप सल्फर भी मिक्स करके डाल सकते हैं। सो किसान भाइयों, जो यूरिया जो भी फर्टिलाइज़र डालना है वो धान की टिलरिंग स्टेज के अंदर ही डाल दें, क्योंकि कुछ भाई जो किसान भाई पेनिसल स्टेज में जब धान आ जाता है उस समय भी अगर यूरिया डाल देते हैं या कुछ और फर्टिलाइजर डाल देते हैं, इसका नुकसान फ़ायदा तो नहीं होता, इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो आगे किसानों को उठाना पड़ता है। सो कम समय में पकने वाली वैरायटी जैसे पीआर हाइब्रिड जो किस्में हैं, इसकी जो टिलरिंग स्टेज कम समय की दिनों की होती है, और जो लंबे समय पकने वाली जो किस्म है उसकी जो टिलरिंग स्टेज है वो लंबे समय तक होती है, जो 50 से 60 दिन तक होती है। और जो दूसरी हाइब्रिड किस्में हैं उसकी जो टिलरिंग स्टेज की बात की जाए तो 45 दिन या 50 दिन तक होती है। कुछ किस्मों की टिलरिंग स्टेज तो काफ़ी कम समय तक होती है, जैसे PR 126, 1509। सो इन किस्मों की टिलिंग स्टेज 40 दिन से भी कम समय तक होती है। सो इसलिए जो भी खाद पदार्थ डालना है टिलरिंग स्टेज के अंदर ही डालें, इससे ही लाभ मिलेगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। सो धन्यवाद।